हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे फिटकरी, जिसे इंग्लिश में पोटेश एलम या केवल एलम भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सके। साथियों, फिटकरी के अनगिनत फायदे हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिटकरी एक ऐसा क्रिस्टल है जो सभी घरों में प्रयोग होता है। पुरुष इसे आफ्टर शेव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये लाल व सफ़ेद दो प्रकार की होती है। फिटकरी में कई सारे गुण होते हैं। ये बैक्टीरिया का नाश करती है, इसलिए लोग इसे डिओडेंट की जगह पर अपने बगल में भी लगाते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल होती है। तो आइए जानते हैं फिटकरी के कुछ लाभदायक गुणों के बारे में। फिटकरी को चोट व घाव होने पर इस्तेमाल करें। फिटकरी का पानी लगाने से घाव से खून बहना बंद हो जाएगा। आप इसका चूर्ण बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे से झुर्रियों को मिटाने के लिए चेहरे को धो लें, फिर फिटकरी को ठंडे पानी से गीला करके चेहरे के आसपास हल्का सा रगड़ें। अब इसे सूख जाने दें और फिर हाथों से छुटाकर साफ कर लें। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आपका चेहरा चमकदार और यंग बन जाएगा। यदि आपको दमा और खांसी है तो आधा ग्राम फिटकरी को पीस कर शहद के साथ मिक्स करके चाट लें, आपको तुरंत लाभ होगा। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रोजेंट तत्व होने की वजह से ये दांत के रोगों को दूर कर सकती है। ये माउथ वॉश की तरह भी प्रयोग की जा सकती है। फिटकरी को नहाने के पानी में घोलकर प्रयोग करने से खुजली रुकती है और शरीर से बदबू भी नहीं आती। फिटकरी को चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा बनता है और त्वचा टोन हो जाती है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी का चूर्ण घोल लें। इस घोल से प्रतिदिन सिर धोने से जुएं मर जाती हैं। टॉन्सिल की समस्या होने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और नमक डालकर गरारे करें। इससे टॉन्सिल की समस्या में जल्द ही आराम मिल जाता है। यदि चोट या खरोच लगकर घाव हो गया हो और उससे खून बह रहा है तो घाव को फिटकरी के पानी से धोएं तथा घाव पर फिटकरी का चूर्ण बनाकर बुरकने से खून बहना बंद हो जाता है। फिटकरी और काली मिर्च पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों की पीड़ा में लाभ मिलता है। प्रतिदिन दोनों समय फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करें। इससे दांतों के कीड़े तथा मुंह की बदबू दूर हो जाती है। तो साथियों, ये हमने आपको बताए फिटकरी के बहुत सारे लाभदायक गुण। तो आज से ही आप फिटकरी के अनगिनत फायदों का लाभ उठा सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारे मल्टी रोज लाइफ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।